सो गाइस, तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पहले आप लोगों से एक बात पूछना चाहेंगे, जो अभी के टाइम में आप लोग बताइए जो कौन कौन स्मार्टफोन यूज नहीं करते। अच्छा, हम भी यूज करते हैं और आप लोग भी स्मार्टफोन का यूज करते होगा। नहीं, यदि आप लोग स्मार्टफोन का यूज नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। आज मैं आप लोगों को स्मार्टफोन के कुछ ऐसे टिप्स और हैक्स बताने वाले हैं जिसके बारे में आप लोगों को अभी तक कुछ पता नहीं होगा। और ये क्या बात करते हैं यार। और ये टिप्स और हैक्स इतने हिडन होते हैं, इतने यूजफुल होते हैं, जिसके बारे में अभी तक आप लोगों को कुछ पता नहीं होगा। तो यदि आप लोग भी इसे सीखना चाहते हैं, इसे जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए फ्रंट तक देखिए। और यदि आप लोग को वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तो अपने फोन की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो गाइस, इसमें जो पहला नंबर का जो टिप्स है वो है क्या कि आप लोगों के पास मान लीजिए कोई इमेज है, ठीक है, और उस इमेज पे कुछ लिखा हुआ है और आप उस इमेज पर जो लिखा हुआ है उसे आप कॉपी करना चाहते हैं, तो उसे किस तरह से करेंगे। इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, प्ले स्टोर में चले जाना है और प्ले स्टोर में आने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पे एक एप्लीकेशन सर्च कर लेना है, लेंस। लेंस जैसे आप सर्च कीजिएगा आप लोगों को सिंपली इस पर क्लिक करना है। और जैसे आप सर्च कीजिएगा लेंस, तो आप लोगों को सबसे ऊपर मिल जाएगा गूगल लेंस। आप लोगों को सिंपली क्या करना है, इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसे अपने फ़ोन में पहले इंस्टॉल कर लिया है। इसे इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों को सिंपली क्या करना है, इसे ओपन करना है। और जैसे आप इसे ओपन करते हैं तो आप लोगों को सिंपली क्या कहा जाएगा, जो आप लोगों को यहाँ पे एक इमेज पोस्ट करने के लिए कहा जाएगा जिस पर कि टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे उसे सिलेक्ट कर लेते हैं और देखिए यहाँ पे ये आ चुका है। हमें क्या करना है, टेक्स्ट को कॉपी करना है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए वो टेक्स्ट को खुद ब खुद सिलेक्ट कर लिया। हमें क्या करना है, इस पर एक बार क्लिक करना है एंड देन हमें इस तरह से इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट करके इस तरह से कर देना है। एंड देन यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को कॉपी टेक्स्ट वाला ऑप्शन। आप लोग सिंपली कॉपी कर सकते हैं इसे और देन जहाँ पे भी आप इसे पेस्ट करना चाहें आप लोग उसे वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। यानी तो आप जिसके पास भेजना चाहते हैं आप उसके पास इजीली भेज सकते हैं। देखिए यही लिखा हुआ था, मैंने इसे यहाँ इमेज से कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। सो गाइस, तो दूसरा नंबर का जो टिप्स है वो है क्या, जैसे कि मान लीजिए आप लोग कहीं पर जाते हैं और आप लोगों का जो फैमिली मेम्बर है या आप लोगों के घर में जो बच्चे हैं आप उसको अगर फ़ोन देते हैं तो क्या होता है, वो फ़ोन लेकर ना अगर इंटरनेट हो तो यूट्यूब को यूज करके आप लोगों का रील्स देख देख कर टकाटक जो होता है उसे देख देख कर सारा का सारा नेट ख़त्म कर देता है। तो आप लोग क्या करें, जो नेट खोलने के बावजूद भी आप लोग का यूट्यूब जो जितने भी रील्स वाले एप्लीकेशन है वो सारा का सारा बंद हो जाए, तो उसको करने के लिए आप लोगों को सिंपली क्या करना है, अपने फ़ोन के सेटिंग्स में चले जाना है। और सेटिंग्स में आने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पे सर्च कर लेना है नेटवर्क मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपली सर्च कर लेना है नेटवर्क मैनेजमेंट। तो देखिए यहाँ पे आ चुका है नेटवर्क मैनेजमेंट, आप लोगों को सिंपली इस पर क्लिक करना है। और जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दिखाया जा रहा है नेटवर्क मैनेजमेंट। आप लोग सिंपली इस पर क्लिक कीजिए और इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। आप लोगों को सिंपली क्या करना है, जिस जिसमें रील्स यूज होता है, जिस जिसमें रील्स काम करते उस सबको क्या कर दीजिए, अनटिक कर दीजिए। जैसे कि आप लोग यहाँ पे फेसबुक देख रहा है तो फेसबुक में रील्स यूज होता है तो फेसबुक को अनटिक कर दीजिए यहाँ से। देन इसके बाद आप लोगों को मिल जाएगा इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम को भी अनटिक कर दीजिए। देन इसके बाद आप लोगों को मिल जाएगा, बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है आप लोगों को, जिस जिस एप्लीकेशन का आप इंटरनेट बंद करना चाहते हैं आप लोग सिंपली यहाँ से उस चीज़ को बंद कर दीजिए। जैसे टकाटक पे आप लोग जाकर ज़्यादातर बच्चे रील्स देख लेते हैं, यूट्यूब में भी जाकर ज़्यादातर बच्चे रील्स देख लेते हैं और सारा का सारा इंटरनेट खत्म हो जाता है। जब आप यहाँ से इसे बंद कर देते हैं और देन बैक हो जाते हैं आप लोग, अब क्या कीजिए, अपने यूट्यूब को ओपन कीजिए। देखिए यहाँ पर इंटरनेट खुला हुआ है, आप लोग को यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए इंटरनेट खुला हुआ है। अब हम इसे ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो YouTube है वो ओपन नहीं होगा, यहाँ पे हम डिसअलाउ कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ये YouTube है वो ओपन नहीं होगा। तो आप लोग भी कुछ इस तरह से अपने फ़ोन में कर सकते हैं ताकि आप लोग का जो इंटरनेट है वो बचा रहे, ठीक है। सो गाइस, तो जो तीसरा नंबर का टिप्स है वो क्या है, जैसे कि क्या होता है कभी कभार आप लोग WhatsApp में जाते हैं, मान के चलिए मैं आप लोगों को WhatsApp में पहले मैं चला जाता हूँ और WhatsApp में जाने के बाद किसी भी एक यूजर को ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो आप लोग कीपैड स्टार्ट करते हैं तो आप लोग को कीपैड पे जो नॉर्मल लेटर होता है वो आप लोग को शो होता है। आप लोग कभी कभार सोचते रहते हैं जो काश इस पर फॉन्ट वाला जो लेटर होता है वो रहता या कर्सिव वाला लेटर होता वो होता, आप लोग यहाँ से उस फॉन्ट वाले लेटर को यूज़ कर पाते तो कैसा रहता। तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, इसके लिए आप लोगों को प्ले स्टोर में चले जाना है और आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं पहले बता दे रहा हूँ, आप लोगों को सिंपली यहाँ पे लिखना है फॉन्ट। जैसे आप लिखेंगे फॉन्ट, फॉन्ट स्टाइल पर क्लिक कर देना है। जैसे आप फॉन्ट स्टाइल पर क्लिक करते हो तो जो पहला नंबर का मिलेगा आप लोग सिंपली क्या कर लेना है, इसे अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने इसे पहले डाउनलोड कर लिया अपने फ़ोन में, तो मैं पहले इसे अपडेट कर देता हूँ और आप लोग भी अपने फ़ोन में इसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड होने के बाद हम क्या करेंगे, इसे ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। आप लोगों को सिंपली क्या करना है, स्विच टू फॉन्ट पे क्लिक कर देना है एंड देन फॉन्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फॉन्ट पे टिक कर देते हैं तो आप लोग यहाँ पे कुछ लिख के पहले देख लेना है जो क्या टाइप हो रहा है या नहीं। ये होने के बाद आप लोग को सिंपली बैक हो जाना है और बैक होने के बाद आप लोग जब आप अपने कीपैड में जाइएगा या जब आप इसमें आइएगा तो देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को बोला जाएगा रिमाइंड मी लेटर पे क्लिक कर देना है और आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के सामने किस किस तरह का फॉन्ट आ चुका है। तो आप लोग इस सारे के सारे फॉन्ट को यूज करके किसी के साथ
चैट कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने आ जाएगा, तो आप लोग किसी के पास इसे भेज सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो यदि आप लोगों के मन में भी कोई सवाल है तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं ताकि मैं आप लोगों के सवाल का जवाब दे सकूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।